मेरा सुबह का पोछा लग रहा है सारा काम वही निपट गया है गीता नाश्ते में लगी हुई है आप लोग आगे वीडियो में बने रहना ईशु ने ओरियो केक आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर की है तो प्लीज ईशु की रेसिपी जरूर देखना बीच से ही आप लोग मत ले जाना गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं आज आपने देखा मैंने सुबह का काम सारा हमारा निपट चुका है उसके बाद में किचन में आ गई अब नाश्ता वगैरह करूंगी गीता ने नाश्ता बना के तैयार कर दिया है कुछ नहीं बनाया ऐसा खास स्पेशल आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और बनाए हैं पराठे क्योंकि सुबह के टाइम में हमारे घर में रोटियां नहीं बनती पराठे ही बनते हैं क्योंकि ज्यादातर सभी को पराठे ही खाने हैं वैसे तो सब्जी बनाई है लेकिन पराठे ही बनेंगे अब तो वैसे धीरे धीरे गर्मी आ गई है गर्मियों में तो बथुए के पालक के ये सब नहीं अच्छे लगते सिर्फ सर्दियों में ही अच्छे लगते थे तो आप तो सिंपल पराठे या सब्जी रो पराठे यही बनेंगे दोपहर में बनेगी रोटी मन भी होता है जैसे कभी कभी अगर मेरा मन हुआ तो रोटी भी बन जाएगी लेकिन ईशु और बच्चे कभी सुबह के टाइम पराठा ही खाएंगे रोटी नहीं खाते हैं या तो आदत बनी हुई है शुरू से ही कि मतलब सुबह के टाइम में नाश्ते में रोटियां नहीं चाहिए सिर्फ पराठे या फिर कुछ और भी आपको पोहा उपमा या सैंडविच वगैरह जो बनाने हैं वो सब दोनों भाई गीता नाश्ता तैयार करके चली गई है दोनों को नला रही है दोनों शोर मचाने में लगे हुए हैं मेरा सारा काम हो गया पूजा भी कर लिए लड्डू गोपाल नहवा दिए हैं अब मैं नाश्ता करूंगी फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलूंगी आगे और आज आपको वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा सच बताऊं आप बोलोगे रोज यही बोलती देखे अपनी तरफ से मैं बहुत कुछ कोशिश करती हूँ आप लोगों के लेके आने के लिए लेकिन आज आप लोगों को ईशु के साथ में ज्यादातर वीडियो देखने को मिलेगा तो देखिये आज ईशु ने क्या बनाया है किचन में स्पेशल है आज ईशु के लिए तो बने रहिएगा आगे तक वीडियो में तो यहाँ पर देखे ईशु बना रही है ओरियो केक तो उसी की तैयारी कर रही है यहाँ पे मैंने उसने लिए हैं ओरियो जो बिस्किट होते हैं उसके जो बड़े दो पैकेट उसके बाद में उनको यहाँ पे मिक्सी में डाल करके पीस लिया है और अब यहाँ पे एक भगोने में निकाल लिया है बिस्किट आप जो भी पसंद करते हो वो वाले ले सकते हो जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिए हैं ईशु ने लिए हैं वही वाले लो लेकिन ये क्या चॉकलेट केक बनेगा तो बच्चों को ज्यादातर ये वाला पसंद आ जाता है तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं मतलब उसने दो बड़े वाले पैकेट थे और ये एक मतलब आधा था तो मतलब ढाई पैकेट का ये उन्होंने बना के उसने बना के तैयार किया उसके बाद में यहाँ पर एक कप चीनी लिए तो उसका भी उसे पाउडर बनाना है मतलब शुगर पाउडर बनाना है यहाँ पे तो उसको भी उसने पीस करके निकाल के रख लिया है और उसके बाद में यहाँ देखिए यह है केकटीन जो इसने यहाँ पे मतलब ऑयल लगा करके उसके बाद में इसमें थोड़ा सा मैदा लगा करके इसको तैयार करेगी आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर डाल लीजिए केकटीन में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे पास बटर पेपर नहीं था इस वजह से मैंने यहाँ पर इस तरीके से केक टीन को यीशू ने तैयार किया है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक उससे हो गई थी मुझे नहीं दिखाया था अगर मुझे पता होता तो मैं करती लेकिन आप लोग अगर लगाओ तो अच्छे से एक साथ में ज़्यादा बट इसमें मैदा डालो और घुमा करके तब एक साथ निकालो उसने बहुत थोड़ी थोड़ी डाल के ऑयल लग गया था ज़्यादा जिसकी वजह से हमारा केक चिपकने के लिए डर रहता है तो आप ऐसा ना करें थोड़ा सा ध्यान रखें यह केक टीन भी हमारा तैयार हो गया उसके बाद में यहाँ पर शुगर पाउडर जो बनाया था उसको ऐड करेगी इसमें यह करना है हमें आधा ही उसमें क्योंकि हमारा ज़्यादा क्योंकि बिस्किट भी देखे मीठे होते हैं तो आधा ही कप डाला है उसके बाद में ये डाला है बेकिंग पाउडर उसने आधा चम्मच आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लीजिए अगर आपके बिस्किट कम ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से कर लीजिए यहाँ पे उसने सारे इसको मिक्स किया है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके अब इसको हम बैटर को एक घोल में तैयार करेंगे और जो दूध था वो रूम टेम्परेचर पर ही है ज़्यादा फ्रिज का ठंडा ना लें और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना होना चाहिए थोड़ा थोड़ा डाल करके ही हम करेंगे क्योंकि एक साथ में अगर हम पूरा दूध डालेंगे तो हमारा बैटर ज़्यादा ही पतला हो जाएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें इस तरीके के एक स्मूथ बैटर तैयार करके उसके बाद हमें इसे डाल देना केक टीन में आपके पास केक टीन ना है तो कोई भी इस तरीके का बर्तन ले सकते हैं मेरे पास ये था उसके बाद में यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई में नमक डाल करके उसको प्री हीट कर लिया है ढक करके उसके बाद में रख दिया है मैंने केक टीन को अब यहाँ पे मैंने एक परात ऊपर मतलब थाली रखी थी फिर प्रात भी क्योंकि वो मेरे पास ना सेटिंग नहीं हो पा रही थी ढकने की और मैंने इसे रखा था 25 मिनट के लिए पहले 25 मिनट के बाद में उसको मैं चेक करूंगी बीच बीच में चेक ना करें क्योंकि क्या रहेगा बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं तो उसकी जो हिट है वो निकल जाएगी अब यहाँ मैंने 25 मिनट के बाद चेक किया है अब चाकू से मैं देख रही हूँ थोड़ी सी कमी है ज़्यादा नहीं है इसको मैं और पाँच से छः मिनट के लिए छोड़ दूँगी उसको छोड़ने के बाद अब यहाँ हमारी केक निकालने की बारी आ गई है मतलब इसको भी मैंने कढ़ाई से निकालने के बाद पाँच से छः मिनट ऐसे ही छोड़ा था ठंडा होने के लिए अब ये देखिए हमारा केक नहीं निकल रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया ना ईसू ने केक तीन तैयार किया था वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई के, केक अंदर से मतलब चिपक गया था उसके बाद में यहाँ पर उसने चॉकलेट को मेल्ट किया है जिससे सजाने के लिए केक अच्छा बना था टेस्ट में बहुत अच्छा था स्पंजी बना था बट थोड़ा सा नीचे से चिपकने की वजह से वो निकालने में थोड़े वो हो गया था टूट मतलब हल्का सा बाकी का वैसे टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा था मेल्ट करने के बाद हर सी सीरप यहाँ पे इसू ने डाली है इसमें मैं आपको बताती हूँ आप कभी भी इस तरीके से अगर चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं हर चीज सी सिर्फ ना डालें हम लोगों को नहीं पता था मैं इसलिए आपको बता रही हूँ इससे क्या हुआ था हमारी चॉकलेट ये देखिए आप लोग देख सकते हैं तुरंत ही टाइट होती चली आई जो कि हमें लिक्विड में चाहिए होती थी फिर हमने दूसरी क्रीम मतलब दूसरी चॉकलेट तैयार की उसके बाद में यहाँ पर केक पे हम लगाने के लिए ये देखा दोबारा मैंने मेल्ट की है और केक हमारा निकल के तैयार हो गया हल्का फुल्का सा जैसे देख रहे हैं आप निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी बाकी और कुछ नहीं अब इसने जैसा वैसा सोचा था तैयार करके सजाने के लिए वो नहीं हो पाया लेकिन कोई बात नहीं केक तैयार है टेस्ट में अच्छा था आप लोग भी खा लीजिए ईश् के हाथ का केक बना हुआ बच्चे ने पहली बार केक बनाया तो आज का लाइक ईशु के लिए तो बनता ही है तो प्लीज लाइक करने में आज कंजूसी मत करना उसने बहुत मेहनत की देखिए आज देखा आप लोगों ने ईशु के हाथ का बना हुआ केक पहली बार बनाया था थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा जैसे सोचा था नहीं बन पाया टेस्ट में अच्छा था और फूला भी अच्छा था लेकिन ईश् पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जो इसने केक टीन था ना उसमें जो घी लगा करके और इसको मैदा को मतलब अच्छे से की, कर नहीं पाई थी उसकी वजह से वो निकालने के टाइम पे ना चिपक के थोड़ा सा टूट गया था बाकी का क्योंकि ये नहीं है कि भाई मैं आपको बोलूंगी नहीं बहुत है ये लेकिन हाँ टेस्ट में बहुत अच्छा बना था स्पंजी बना था लेकिन जिस हिसाब से पहली बार उसने केक बनाया है उस हिसाब से अच्छा था लेकिन वही होता है कि देखिए अगली एक बार में अगर हमारे साथ में हम कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम अगली बार अच्छे से सोच समझ के और फिर थोड़ा सा आइडिया भी आ जाता है कि अच्छा इस वजह से हमारा ये चीज बिगड़ गई थी तो इस बार हम और अच्छे से कुक करने की कोशिश करेंगे तो वही बोल रही थी मम्मी बहुत मेहनत की थोड़ा सा हम कोई बात नहीं खाने में टेस्ट में अच्छा है और ऊपर से कोशिश की है वो काफी है कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा कोशिश भी बच्चों को करते रहना चाहिए आजकल उसको लग रहा है लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो बीच में उसने टाइम निकाल करके नहीं मुझे ये वाला केक बनाना है और यो केक बनाना है बहुत टाइम से उसको हो रहा था तो पहले तो मुझे बोल रही थी मम्मी आप बनाओ फिर मैंने कि ठीक है तो उसने खुद से ही कह रही नहीं आप नहीं रहने दो तो मैं ही बना के सीखती हूँ मैंने माइक्रोवेव के लिए ऑफर दिया था उसको मैं कि तुम माइक्रोवेव में बना ले क्योंकि माइक्रोवेव में बनाती तब तो ये सब जब झंझट नहीं होता लेकिन उसने नहीं मम्मी माइक्रोवेव हर किसी के पास में नहीं अवेलेबल हो पाता है मैं गैस पर ही बनाऊंगी कढ़ाई में तो जिससे कि सबको मतलब जो भाई वीडियो बना के शूट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव में ही बनाएं लेकिन गैस पर बनाएंगे तो कोई भी बना सकता है जरूरी नहीं है कि माइक्रोवेव का ही यूज करना पड़े तो इसलिए उसने कढ़ाई में ही मतलब गैस पे बनाया था लेकिन अगली बार माइक्रोवेव के लिए भी मैंने उसको बोला है कि एक बार उसमें भी बना के शेयर करना अगली बार बनाएगी तो माइक्रोवेव में बना करके शेयर करेगी लेकिन आप लोग बताना कैसा और हो रो कि जैसा भी बना हो प्लीज़ आज उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत बनी लगी है और दूसरा वीडियो तो देखिए कुछ मिनट की ही है लेकिन लगे बनाने में उसको दो तीन घंटे गए थे पूरा किचन अस्त व्यस्त करके फेंक दिया लेकिन हाँ इतना है कि कुछ कुछ भी काम कभी करती है तो किचन खुद से ही समेट के साफ भी करती है तो बर्तन वगैरह जो भी हुए थे तो मुझे गीता को नहीं करने दिया। सब अपने आप ही उसने साफ करके किचन को जैसे किचन उसको क्लीन मिली थी उसके बाद उसने वैसे ही किचन को क्लीन करके ही छोड़ा था और आज मैं एक टॉपिक पे और आप लोगों के साथ में थोड़ा सा बातें करूंगी तो सब लोग पूछ रहे थे कि गीता तो आ गई है भाई क्यों नहीं आ रहा है आपका भाई नाराज है देखिए भाई को ही नाराज नहीं है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है पुराने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ज़्यादातर आप सभी को पता है नए लेकिन कुछ टाइम से देखे डेली जुड़ते भी और कुछ टाइम से जुड़े भी हैं क्योंकि हमारे आठ हज़ार की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए थैंक यू सो मच तो काफ़ी सारे लोग जुड़े थे तो जब गीता आई थी तो बहुत लोगों ने दोबारा से मुझे पूछा था कि गीता कौन है तो देखिए गीता छोटी भाभी है तो फिर वही उन्होंने सब ने पूछा है कि कभी भी आपका भाई जैसे होता है जॉब कर रहा है भाई किसी भी दिन वीडियो में नहीं दिखता है क्या आना नहीं चाह रहा है या नाराज है क्या है गीता आपके पास क्यों रहती है तो मैं आपको वही दोबारा से बता देती हूँ बाकी सबको पता है लेकिन नए लोग हैं मेरे साथ में जुड़े हैं तो बताना बनता है भाई मेरा कोई नाराज नहीं है ना कोई ये है कि अलग रह रहा है कुछ भी वो मेरे साथ में ही हम दोनों एक साथ ही रहते हैं लेकिन भाई मेरा मर्चेंट नहीं भी मैं तो इस टाइम पर सिप पे गया हुआ है तो वैसी जॉब होती जैसे मान लीजिए सुबह जाके शाम को आना या उस तरीके के तो ज़रूर आप लोगों के साथ हम दिखता जब यहाँ था मेरे पास में यहाँ छुट्टी आया हुआ था लॉकडाउन में और सब में पूरे टाइम इधर ही रहा था आप लोगों को ज़्यादातर पता ही मेरी वीडियो में देखने को मिला ही है जब यहाँ था क्योंकि हम लोग घर गए थे जब भी हमारे साथ में था मगर इस बार लंबा टूर हुआ है, है उसका क्योंकि गया भी काफ़ी टाइम के बाद में था लॉकडाउन में कई महीने उसको घर पर रहना पड़ा था कोरोना की वजह से तो इस वजह से भाई मेरे यहाँ आप लोगों को वीडियो नहीं दिखता लेकिन जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी तो चलिए कल मिलूँगी आपको नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर और सबसे पहले मिल सके तो इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और अपना ध्यान रखना